कार्यक्रम के शुरुआत में एक छोटी सी गीत से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो। बाबा कीनाराम की तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सतयुग से ही प्रमाण मिला है कि भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। और वक्त पड़ता है तो भक्तों के सामने भगवान को हारना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ये ऐसा प्रमाण मिलल बा कि भक्तन के सामने भगवान हार गई बटन, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर युग में भगवान ने भक्तों के सामने अपने झुक गए, अपने भक्तों के सामने भगवान को हारना पड़ा। तो कवि जी लिखे हैं बड़ी अच्छी बात, क्या और भैया अवहे एक लाइन तरज बा जवन आप लोगन सुन ले हमन रिकॉर्ड के द्वारा, वह तरज हो का तरज का लाइन बा भैया। कि काली तेरी छोटी है परंदा तेरा लाल नहीं, काली तेरी छोटी है परंदा तेरा लाल नहीं, आ रूप की ओ रानी तू परंदे को संभाल ले, रूप की ओ रानी तू परंदे को संभाल ले, रूप की ओ रानी तू परंदे को संभाल ले, तो किसी मन चले का तुझ पर आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चले का तुझ पर आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, हम बतौली कि चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर युग में भगवान को भक्तों के सामने झुकना पड़ा है, अपने भक्तों से हारना पड़ा है। जैसे में प्रमाण दिया गया क्या कि जगत अनियंत जगरूक जन प्रीति से, अकंचन फौलाद बना परस के नीति से, अटल स्नेह आस जागे स्वाभिमान जैसे हारे भगवान, हारे भगवान, पहला प्रमाण भगवान एक जगह भक्त से हार गईलन। उ कौन भगवान, कौने भक्त से हारलन है? अरे बोले विश्वामित्र चंद्र सेन परिसाय, मुनि विश्वामित्र चंद्र सेन परिसाय, आ करेंगे संहार राम धनु सब उठाय, माता के कारण है तू लड़े हनुमान जैसे हारे भगवान, हनुमान जैसे हारे भगवान, एक मर्तबा का बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार लगा था, ऋषि महर्षि देवतागण सब लोग बैठे हुए थे और उसी बीच में चंद्रसेन नाम का राजा चला गया। सबको प्रणाम किया चंद्रसेन राजा,
लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करने के लिए भूल गया। क्रोध से लाल हो उठे। उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में विश्वामित्र मुनि ऐलान किए कि अरे चंद्रश्याम, तूने मेरा अपमान किया। राम के भरी दरबार में तूने सबको प्रणाम किया लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया, तो जाओ। जिस राम के दरबार में तूने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, सुबह होते ही उसी राम के हाथों तुम मारे जाओगे। अच्छा तो चंद्रसेन अब तो भगा, भगने लगा कि कोई मुझे बचा ले, सुबह होते ही भगवान मुझे मार देंगे। विश्वामित्र मुनि का ऐलान है, तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन में वो चंद्रसेन नाम का राजा भगने लगा। तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन में गया लेकिन बाबू कोई बचाने वाला नहीं मिला। अंततो गतवा मिला कौन? तो नारद मुनि। नारद मुनि मिलन कलन करे चंद्रसेन कहवा भागत हुआ। हाथ जोड़ करके चंद्रसेन बोला कि महाराज, विश्वामित्र मुनि ऐलान कर दिए हैं, सुबह होते ही मुझे भगवान मार देंगे, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो जह दिन नारद वो समय बिना तार के वायरलेस नारद जी रहलन, बिना तार के वायरलेस, जले एक खटिया के मरद मेहरारू दुई खटिया ना करे पेट के पनिए न पचे। कहल जाए कि जह दिन नारद कुछ ना पावे हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावे। नारद जी बिना तार के वायरलेस कहां जाता हुआ? कलन की कोई बचावे वाला ना लौकत हो। कलन की एगो आदमी बाजवन तोहके बचा ली। जात का मेहरारू बे चंद्रसेन कलन की उके बा, वही नारद मुनि बतौलन की वो मेहरारू का नाम हो अंजनी। तुम अंजनी के पास जाओ, अंजनी जरूर तुम्हें बचा लेगी। वही चंद्रसेन नारद के कहने से अंजनी के पास गया है, हाथ जोड़ करके माता कह करके संबोधित किया। बोली कि जब तुम मुझे माता कहा तो मैं तेरा तू मेरा बेटा हुआ, मैं तेरी धर्म की माँ हुई, बता क्या बात है? चंद्रसेन बोला कि जो मैं मांगूंगा माँ तुम दे दोगी? कलिन की हाँ दे दे, बताओ चाही का। कलन ओ चंद्रसेन कहा अंजनी से, तो वही चंद्रसेन नाम का राजा चला गया अंजनी के पास, बोला कि माँ मुझे बचा ले, सुबह होते ही भगवान मुझे मार देंगे और तू मुझे बचा ले। अंजनी कलश की जगह भगवान है मरियनों के हम का बचाई, लेकिन जब तुमसे वादा की हूँ तो अपने वादा को पूरा करूंगी। अंजनी के बेटा हनुमान हनुमान को बुलाई अंजनी, और अंजनी हनुमान से कही कि बेटा ये चंद्रसेन राजा है, सुबह होते ही भगवान इसे मारेंगे, तुम्हें बचाना होगा। एक तरफ भगवान का भक्त हनुमान है, एक तरफ भगवान है तो एक तरफ माँ का वचन है। बड़ी धर्म संकट में हनुमान जी पड़ गए, लेकिन माँ के वचन को भी पूरा करना था। हनुमान जी अपनी पोछिया के गोल कोठिला नुमा बना लिहलन, आज चंद्रसेन से कलन किया वो यही में बैठ जा। वही पोछ के बीच में चंद्रसेन के बैठाई क्या ऊपर ले हनुमान जी बैठ गए। अब तो चंद्रसेनवा राजा वही हनुमान जी के पोछ में बैठ के पाकुर पाकुर पान पूछा था, सोचत बागी चला पहले हनुमान मरहन तब न हम मराए। अंत में राम और हनुमान से युद्ध हुआ। अंजाम ये निकला कि भगवान को हनुमान से हारना पड़ा। यहाँ भी भगवान अपने भगत से हार गए। दूसरा प्रमाण मिलल होगा,
कि कानन बीचे काट रहा लकड़ी बिचारा, अच्छा नहीं मैं उड़ गए पखेरू पाचारा। नहीं मैं उड़ गए पखेरू पाचारा, तो सजग हो सावित्री बचाली सत्यवान जैसे हारे भगवान। सावित्री का नाम आप लोग सुने होंगे, सावित्री का पति सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। सावित्री को पहले से पता था कि आज मेरा पति मर जाएगा, आज मेरा पति मरने वाला है। अपने पति के साथ सावित्री जंगल में जाती है, पेड़ पर चढ़ करके सत्यवान लकड़ी काटता है, सर में दर्द हुआ, अचानक गिरता है। और जब जंगल में गिर जाता है तो सावित्री अपने पति के सर को गोद में लेकर बैठ जाती है। यमराज आया है, आवाज दिया, आवाज दिया कि चलो सत्यवान, तेरा उम्र पूरा हो चला है, चलो मेरे साथ। आखिरकार सावित्री को आभास हुआ कि मेरे सामने कोई छाया, किसी चीज की छाया खड़ी है, देती है आवाज कि तुम कौन हो। जमराज बोला कि बेटी मैं जमराज हूँ, तेरे पति को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकर के जब प्राण चलता है, जमराज पीछा करती है सावित्री, लौट करके पुनः जमराज देखता है कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। कहता है कि बेटी वर मांगो, तेरी पतिव्रता देख करके मैं खुश हूँ। तीन वर देता है यमराज, और तीन वर दे करके बाबू जब चलती है, तीन वरदान देता है यमराज, अंततोगत्वा यही वरदान दिया कि बेटी तुम पुत्रवती हो जाओ, तुम पुत्रवती हो जाओ। यो मस्त कह करके जब चला, फिर पीछा करती है, फिर पीछा करती है पुनः सावित्री। और जब पुनः पीछा करती है चौथी मर्तबा, मुड़ करके देखता है जमराज, तो क्रोध से लाल हो उठा, कहा कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ रही हो, तुम लौट जाओ नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। सावित्री कहती है कि महाराज आप तो वचन दिए हैं कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, लेकिन आप मेरे पति को लेकर के साथ में अपने जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी। अंततोगत्वा यमराज को उस सती सावित्री के सामने हारना पड़ा, झुकना पड़ा, और हार करके अंततोगत्वा उसके पति सावित्री के पति सत्यवान को छोड़ना पड़ा। यहाँ भी एक भगत के सामने खुद बाखुद जमराज हार गया। तीसरा प्रमाण, अंतिम प्रमाण बतावत बानी कि एक बार और भगवान एगो भगत से हार गए। अंतिम प्रमाण बतावत बानी कि एक बार और भगवान हार गईलन हम अपने भगत के सामने के रहा कि अत्रि के द्वारे तीन देवता पधारे। करावे भोजन नंगी होई के हमारे, अरे करावे भोजन नंगी होई के हमारे, तपति के कारण रोकी सजिया बिहान जैसे हार भर। एक मर
बतवा तीनों त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना रूप बदल करके अपना रूप बदल करके अनसुईया के घर पर चले गए। अनसुईया के पति का नाम था अत्रि। अत्रि के द्वार पर जाकर के अलख जगा दिए कि माँ हम लोग 3 रोज से भूखे हैं, खाना नहीं खाए हैं, कुछ खाना खिला दे। संयोग ही कहा जाएगा कि उस समय अत्रि कहीं भिक्षाटन पर गए थे, अत्रि मुनि घर में नहीं थे। अत्रि की औरत वही अनसुईया अपने घर में थी, सोचती है कहती है कि मेरे दरवाजे पर 3 त्रिदेवा आए हैं, 3 योगी आए हैं, खाना खाने के लिए कह रहे हैं। बड़ी प्रेम से खाना बनाती है और जब तीनों त्रिदेवा के सामने, तीनों योगियों के सामने खाना का थाल रखती है तो तीनों योगी रूपी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऐलान कर दिए, बोल पड़े कि माँ हम लोग इस तरह खाने वाले नहीं है। हाथ जोड़ करके अनसुईया बोली कि महाराज कैसे खाएंगे। कहने लगे लोग तीनों त्रिदेवा कि तुम नंगी हो जाओ, अपने शरीर से पूरा वस्त्र उतार करके सामने बैठो, तब हम लोग खाना खाएंगे। समझ गई ओ अनसुईया कि कहीं ये लोग मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। जिस थाल में अपने पति की चरण को रोज धोती थी उसी में से पानी उठाती है, आंख बंद करके पति को अपने याद करती है और तीनों त्रिदेवा पर छिड़क देती है। तीनों त्रिदेवा छोटा सा नन्ना मुन्ना शिशु बालक बन गए। प्रेम से अनसुईया अपनी कपड़ा को खोलती है और उन छोटे छोटे बच्चों के सामने कपड़ा खोल करके और तीनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। 3 पलना में सुतवलीन हम एहर हलचल मच गई देवलोक में। शंकर का पार्वती जी सोचे थे इनकी कहां हमार बौरा भोलेनाथ गईलन, कहां गईलन। ओहर विष्णु के लक्ष्मी सोचत पड़ी कि रोज रहत रहलन तो गोड़ दबावत रही है, आज कहां चली गई लन, कहीं पता न चलत बा। ब्रह्मा के ब्राह्मणी बेकल इन, तब तक नारद जी पहुंचलन। तीनों जन आपस में विचार करे थे कि कहां गईलन लोग तीनों जन। नारद जी बतौलन कि अरे गईलन लोग ना गईलन लोग फंसावे, लेकिन खुद फंस गईलन। पार्वती जी कहली कि मतलब, कहलन की मतलब ये हो कि जाके देखा लोग खोज लोग वही अनसुईया के घरे तहां लोग का पति मिल जाई हम। जब तीनों जने गईलिन तो देखा थे इन, हाथ जोड़ के कहलिन कि अनसुईया हमन का पति का दे दा। कहलिन कि हम तो हम लोग का पति ना ले ले हैं, उका हुए खेलत हूँ लोग पलना में जाके अपन अपन उठा ला लोग। अब तो समझे में ना आवे कि कौन शंकर होन, कौन ब्रह्मा होन, कौन विष्णु होन। जाके पलना से पार्वती जी उठावत अड़ी, कहलिन कि अरे लैका लेके हमन का खा करब जा। कहलस अनसुईया कहली कि उठावो लोग जेमे छोबु लोग तहन लोग के अपन अपन तैयार हो जेन। पार्वती जी जेमे जाके पलना से लैका उठावत है इन तले हो गइलन ब्रह्मा, भग देना पीछे हट गई 4 कदम के अरे तो भौसुर लगियन छुआ गई। पार्वती का शंकर का उठावे के चाहिए तो उठा लिया ली ब्रह्मा का, लक्ष्मी के विष्णु के उठावे के चाहिए तो उठा लिया ली शंकर का। आखिरकार यहाँ भी एक भक्त के सामने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का तीनों हार गए। अंतिम प्रमाण हो एगो और भक्त हार गई बा अपने भगवान से। कवन भक्त हार गई कि कोढ़ीपति लेके चली नर्मदा बिचारी, मंडवी के सांप सुखे स्नेह की कियारी, तब
पति के कारण रोकी सजिया बिहान जैसे हारे भगवान। नर्मदा के पति कोढ़ी था, उस कोढ़ी पति के दिल में ऐसी इच्छा हुई कि मैं किसी वेश्या के साथ संभोग करूं। अपने पति की इच्छा जान करके नर्मदा अपने कोढ़ी पति को कंधे पर बैठा करके वेश्यालय में ले जा रही थी। मांडवी मुनि सर नीचे और पैर ऊपर करके तपस्या में लीन थे। अचानक नर्मदा के कोढ़ी पति के शरीर से और उस मांडवी मुनि के शरीर से स्पर्श हो जाता है। ध्यान टूट गया, ध्यान भंग हो गया। जब देखे हैं मांडवी मुनि तो क्रोध से लाल हो उठे, डांट कर बोले, ऐ नर्मदा, जिस अपने पति को इच्छा पूर्ति के लिए तुम वेश्यालय में ले जा रही हो, सुबह होते ही वो तेरा पति मर जाएगा। पतिव्रता थी, अपने पति को गोद में लेकर बैठी है और अपने सत्य के बल से सूर्य भगवान को ही रोक डाली। सूर्य भगवान को रोक डाली, यही से रोकलस की न सवेर होई न हमार पति। तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन में हलचल मच गया, सभी देवता लोग घबरा उठे। अंत में भगवान को आना पड़ा और नर्मदा से माफी मांगना पड़ा कि नर्मदा अनर्थ हो जाएगा, सूर्य भगवान को छोड़ो, सुबह होने दो। नर्मदा कहती है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं महाराज, मेरा पति मर जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं छोड़ो, मांडवी मुनि का श्राप भी हो रह जाएगा और उनका वचन भी पूरा हो जाएगा, तेरा काम भी होगा। तेरा पति मरेगा जरूर लेकिन मैं जिलाऊंगा, तुम सूर्य भगवान को छोड़ो। आखिर सूर्य भगवान को नर्मदा छोड़ती है, मांडवी के श्राप के अनुसार वो नर्मदा का कोढ़ी पति मरता है, लेकिन भगवान अपने वचन के सामने अडिग है, अपने वादा के मुताबिक उस नर्मदा के कोढ़ी पति को दोबारा जिंदा किए, जो कि कोढ़ी से कंचन का काया हो गया, असली बन करके, फर्स्ट क्लास बन करके नर्मदा का पति फिर जन्म लिया है। तो इसलिए मैं यही कहता था कि चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, ये पहले से सतयुग से ही प्रमाण मिलता है कि भगवान अपने भक्तों से जब जब ऐसी स्थिति आती है तो भक्तों के सामने भगवान को झुकना पड़ता है, अपने भक्तों को ऊंचा करके भगवान खुद छोटा बन जाते हैं, भगवान खुद भक्तों के सामने हार जाते हैं। कि जय जखाला जय तू रघुनाथ स्वर्गवासी, गंगा सागर मितवा के भैली उदासी, गावे ओम प्रकाश भक्ति भक्तन के महान जैसे हरे भगवान।